जिहड़े हुल्लड़बाज सीगे पिछले तीन साल तो साडी कमेटी के पिछे लगे हुए सीगे। जिहड़े हुल्लड़बाज आ जी, एक तां ठाणा सिंह आ जी, ये चार परिवार पंज इत्थे रहिंदे गुरद्वारा साहब दे नाल, इन्होंने कब्जा किया 50 साल तो, पिछले 40-50 साल तो गुरद्वारा साहब ये जी अद्धा घंटा ताक रखते रहे। पहला दो तीन जने आए, मुड़ के तीन चार जने होर आ गए, मुड़ के तीन चार जने पिछे, मुड़ के आ इधर एक ठाणा सिंह का घर भरया पाया, गड्डी मुड़ के इधर दी नहीं कढ के ले गए, ये जी गड्डी बाहर बंदे से बारे बारे कढ के ले गए। बहुत ही माड़ी गल है ये कि जिहड़ा परिवार सेवा की उस परिवार से उन्होंने शस्त्र चक के दागे, शर्म नहीं आई उन्होंने भी ये सेवा करने वाला परिवार आ जा कि बी एस पी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकारों से वे वे सवाल खड़े कर रहे हैं। दूजे पास उ लोग उपो जे सिख आपस के एक गुरद्वारा साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के बेअदबियां कर रहे हैं, इन्हों भी बेअदबी कहा जाऊ। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब मानता वह तो उच्ची खंघ धामनी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी से जाके, इन्होंने तो डांगा सुटिया जाके साढ़े हमला किया जी। सानू पूरा यकीन है भी गोलकां नूं मुख रख के जिहड़ा अज मौजूदा कमेटी के संगत दे विच हमला बोलिया, उन्होंने जिहड़े गुरु साहिबान दे अगे शस्त्र सजाए हुए सी उही शस्त्र चुक के जिहड़े मौजूदा प्रधान सी उन्हां दे उत्ते वार करना शुरू करता। फरीदकोट का ये वो गुरद्वारा साहब है, गुरद्वारा श्री निशान साहब वेलफेयर सभा जर्मन कलोनी, जिथे अज सवेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी के जिहड़ियां दो धिरां दे विच कृपाना चलियां, काफ़ी जिहड़ियां वीडियोज़ वायरल हुई ने, उस तो बाद जिहड़े वड्डे सवाल जिहड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर कारण की है, तो मौजूदा जिहड़े इत्थे प्रधान ने सेवादार ने गलबात करांगे आखिर की कारण रहा, होर भी लोगों के नाल गलबात करांगे, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मैंबर ने उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे कि आखिर ये विवाद क्यों होया, तो इस विवाद तो बाद जो संदेश किस तरीके का जाएगा। असं उस गुरद्वारा साहब के मौजूद हाँ, सब तो पहला वो प्रधान साहब के नाल गलबात करांगे जिहड़े उस वक्त इस गुरद्वारा के मौजूद सन। प्रधान जी, की नाम है गुरद्वारा साहब का और की सारा कारण बने? सब तो पहला तो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम जसवंत सिंह खालसा, मुख सेवादार जर्मन कॉलोनी गुरद्वारा श्री निशान साहब। जदों का मैं सेवा संभाली मैं अपने आप को प्रधान नहीं कहाया जी, सब तो पहला तो यह गल है जी। दूजी गल है जी, जिहड़े हुल्लड़बाज सीगे पिछले तीन साल तो साडी कमेटी के पिछे लगे हुए सीगे, और पिछले तीन सालों दी कंप्लेना जिहड़ियां तुसीं प्रशासन कोलों कढ़ा सकदे जाके, तो असीं पेश भी करांगे जी। तीन सालों तो असीं राले रप्पे ला के मिनतरला करके ले जांदे वी गुरद्वारा साहब ते कोई लड़ाई ना हो जाए, मैं कमेटी नूं वी इही बेनती करदा रहा। तो दूजी गल इह आ वी जिहड़ी मंदभागी होई आ मैं संगतां तों माफ़ी चाहुंदा। ओह हुल्लड़बाज है नहीं, हुल्लड़बाज जिहड़ी तुसीं हुल्लड़बाज कह रहे हो इत्थों दी आ, तुहाडी बस्ती दी आ जां पासों कौन लोक आ? जिहड़े हुल्लड़बाज आ जी, एक तां ठाणा सिंह आ जी, इह चार परिवार पंज इत्थे रहिंदे गुरद्वारा साहब दे नाल, इन्हां ने कब्जा कीता 50 साल तो, पिछले 40-50 साल तो गुरद्वारा साहब ते, इहने 50,000 दा इहदा गुरद्वारा साहब दा केस वी चलदा जी उत्थे। दूजा वो भाऊ तो होर वे चार सत चार पाँच जने जो होर उन्होंने रले हुए वह आ जी, वह कहें साढ़े हाथों जी गुरद्वारा साहब का प्रबंध आ जे। भाऊ कि गल कर हरबंस सिंह भाऊ आ जी, वह सारा उन्होंने प्रशासन भी जानता, सारा शहर उन्होंने जानता भी वो हालात किस तरह के, वो किस तरह के काम करता जी, दूजे के मोढ़े रख के चलाने वाला जी। की गल की हुई सी, कोई मीटिंग रखी सी अज क्योंकि संगरान का दिहाड़ा सीगा, काफ़ी वड्डी गिणती दे विच संगत भी इत्थे पहुंची सी, की आखिर गल की हुई सी, जां कोई पहला सद्दा दित्ता होवे उन्होंने भी सद्दा दित्ता होवे, आओ आप बैठ के गलबात करते हैं। अज जी संगरान का दिन सीगा, इन्हां नूं पता संगत इकट्ठी होगी, तो असीं जिहड़ा मुख सेवादार जसवंत सिंह दी बेइज्जती करांगे, इस करके इन्होंने धा के आए सीगे, फोन कर करके पिछों बुलाया, तुहानूं कैमरे दे विचों मिल जाणगे जिहड़े फोन कर करके पिछों बुलाउंदे सीगे, तो इन्हां ने फोन कर करके बुला के मेरे गल पै जाके जी, सब तो पहला मेरे दाले हो गए। तुसीं कितने जाने सीगे? संगत बहुत सी जी, मेरे नाल 12 मैंबर आ, पर संगत बाकी बहुत सीगी जी, ये जिथे मैं बैठा सीगा मैं आपदे स्थान लिया जाके जदों संगतां नूं संबोधन करके ये उत्थे जाके पहुंचे जी, मुड़ के सीधे आके गाली पए आ जां मत्था टेकिया बैठे कोई गलबात हुई है? ये जी अद्धा घंटा ताक रखते रहे, पहला दो तीन जने आए, मुड़ के तीन चार जने होर आ गए, मुड़ के तीन चार जने पिछे, मुड़ के आ इधर एक ठाणा सिंह का घर भरया पाया, गड्डी मुड़ के इधर दी नहीं कढ के ले गए, ये जी गड्डी बाहरों बंदे से बारे बारी कढ के ले गए जी, इधरों निकले बहुत सी बंदे पता नहीं किन्ने कट्ठे किए थे। कोई डांग सुटी वो आप बाहरों लैके आए थे, तुहानूं पता जदों लै आए अंदर एंट्री की उन्होंने गुरद्वारा साहिब? उन्होंने जदों आया जी उन्होंने मत्था टेकया, उन्होंने कोल सानूं कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, पर जो मेरे गल पैन लगे आ ठाणा सिंह तो हरबंस सिंह भाऊ ने, इतों पता नहीं वो की किरच सी जां की चीज़ सी मैनूं नहीं पता, उन्हें कढ के इतों मारी आ जां कि चीज़ रब जाने जी। ये भी पता लगे कि गुरद्वारा साहब के जिते गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश है वो सामने कोई जिमें आप कृपान साहब या होर कोई जे शस्त्र होंगे उत्ते आप लोगों की संगत के दर्शन वास्ते रखते हैं, उन्होंने भी वरतों की गई? मैं अगे भी दस चुका जी भी ये सेवा भी साढ़े ही परिवार ने शस्त्रां की कराई थी पिछले दो तीन साल तो जो अभी सेवा संभाली है जी, तो उन्होंने चाह के साढ़े ही वरते हथियार जी,
बहुत ही माड़ी गल है ये भी जिहड़ा परिवार है सेवा की उस परिवार से उन्होंने शस्त्र चक के दाके शर्म नहीं आई उन्होंने भी यह सेवा करने वाला परिवार आ जा कि उन्होंने गुरु साहब के मूहरे शस्त्र चक के साढ़े से वरतने शुरू करते मुख कारण की प्रधानगी लैके कोई प्रधानगी का तो कोई समा भी नहीं जी चोन का भी नहीं ना कोई गल है भी नहीं जी पिछले 3 साल तो सेवा निभा आ रहे कोई रौला ही नहीं प्रधानगी का पर होने हो सकता भी 3 साल तो निभा रहे हो तुम हो सकता थोड़े जोड़े काम है जो जो कार्य करते हैं उन्होंने वधिया ना लगे हो करके आए हूँ ये लोकल गुरद्वारा साहब है जी संगतान ने बनाया हुआ ये जोड़ा फैसला लेना लोकल संगत ने ही लैना होंगे तो संगत जो ला के गल रख अच्छे साढ़े लड़न आ गए अगे कि आई नहीं गुरद्वारा साहब कदे भी संगरान से जी फंक्शन कराने गुरु नानक देव जी का जी अपने साहबजाद का जी विसाखी का त्यौहार मना अपना खालसे का जन्मदिन मनाने ये आते ही नहीं इतने कदे नहीं आए साढ़े को अच्छ हुल्लड़बाजी करने आए थे मैंने थ्रैड करना उन्होंने तुम्हें थ्रैड किया तो जो वार किए थोड़े जो होर लोगों से अगों फिर तुम भी बदले के वार देखो जी जो कोई चढ़ के आ जाए गुरु साहब ने दसिया शस्त्र मारन साढ़े असं खड़ के खा तो सकते नहीं सके पर असं आपका बचा किया जिन्ना को मेरे रिश्तेदार सट्टा भी वजिया जी किन्ने जख्मी हो दो जने जख्मी हो दोनों पति पत्नी है जी दोनों पुलिस पहुंची फिर मौके पर हाँ पुलिस ने असं फोन करता से पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी वरती है अपने बिल्कुल ठीक ठमे तक पहुँच गई पुलिस पर प्रधान जी नाल भी गल है कि एक पास आप पूरी दुनिया है जी आप बेअदबी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से वे वे सवाल खड़े कर रहे हैं दूजे पास उप जे सिख आपस के जो एक गुरद्वारा साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के बेअदबियां कर रहे हैं इनू भी बेअदबी किया जाऊगा मैं थोड़ा यही पहला गल दस चुका जी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब मानता वो तो उच्ची खंघ धाम गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी से जाके इन्होंने तो डांगा सुटिया जाके साढ़े हमला किया जी तो फिर ये मनते हुए गुरु ग्रंथ साहब जी मनता तो वही है ना जो सत्कार करूगा जाके तो पर जे हुण जो कोई चढ़ के आ गया तो फिर वह इलाज भी की है जी फिर गुरु साहब ने आख्या भी तुम नीवी नहीं पाने पुलिस ना कोई गलबात हुई है की कार्रवाई की कर रहे पुलिस सानू भरोसा दे के गए जी असीं कार्रवाई करांगे अगे की करदी हुण अगे भी 4-3 साल 2 साल तो वेखी जाने की करदे साढ़े नाल मनप्रीत जी है क्योंकि ग्रंथी सिंह की जी अगवाई करते हैं पूरे जे फरीदकोट जिले की गल करिए फरीदकोट जिले के जिन्हें ग्रंथी सिंह है उन्होंने अगवाई करते हैं दमदमी टकसाल के नाल भी संबंधित इन्हां नाल गलबात करते हैं मनप्रीत जी तुसीं किवें देखदे हो क्योंकि एक पासे तां आपां पूरी दुनिया जिहड़ी कौम है बेअदबी के नाम से जिहड़ा वड्डे वड्डे सवाल खड़े कर रहे हैं सरकारां ते मोर्चे हजे भी जिहड़े लगातार जारी ने दूजे पासे जे पिछले दिनों की गल करिए मसीह भाईचारे दे नाल भी जिहड़ा विवाद पैदा होया सीगा दूजे धर्मां ते सवाल खड़े करदे हैं तो अज्ज आपदे धर्म के लोग तो आपदे धर्म के आपदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने वड्डी जिहड़ी बेअदबी सामने क्योंकि बेअदबी तो कहांगे उहनूं आपां जिहड़ियां दस्तारां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दी हाजरी दे विच उतरियां वेखो जी जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सरूप दा भै नहीं गा गुरु की संगत का भय नहीं गा उन्हां बंदिआं ने इत्थे आके हुल्लड़बाजी कीती है तो यह समझो भी सिखां दे घरे यह मुसलमान जम्मे है सिखी पहरावे दे विच जो गुरु ग्रंथ साहिब जी नालों तोड़न का यतन संगतां नूं कर रहे हैं लोकां नूं तोड़ रहे हैं तो अजिहे लोग जिहड़े जिन्हां ने अज्ज गुरद्वारा निशान साहिब जर्मन कलोनी दे विच जिहड़ी घटना वापरी है जिहदे विच प्रबंधक मौजूदा कमेटी जिहड़ी वो अच्छे तरीके नाल गुरु घर की सेवा करवा रही सी ते सुनन विच आया भी जिहड़े हुल्लड़बाज बंदे सीगे वो पुरानी कमेटी विच रह चुके ने ते कुछ गोलकां दा मसला हुंदा सारे प्रबंधक इक्को जिहे नहीं हुंदे बड़े अच्छे प्रबंधक हुंदे जिहड़े सुचज्जे ढंग नाल गुरु घरां दा प्रबंध चलाउंदे आ ते सानू पता लग्या भी कुछ सालों के ही गुरद्वारा साहिब की इमारत बहुत सुचज्जे ढंग नाल वधी हुई है अच्छे ढंग नाल बाबा जी सेवा निभा रहे है प्रबंधक निभा रहे है ते वो जिहड़ी पुरानी कमेटी सी चलो संगत ने उन्हां नूं चुनिया सीगा ते पर कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टै सप्पै दुध पियाली है व्यो मुखों सुट्टै संगतां ने उन्हां नूं इंचार्ज दिता भी गुरु घर का प्रबंध चलाओ पर वो सप्प बन के गुरद्वारा साहिब बैठे सी ते गोलकां नूं मुख रख के ही सानू पूरा यकीन है भी गोलकां नूं मुख रख के जिहड़ा अज मौजूदा कमेटी के संगत दे विच हमला बोलिया सब तो वड्डी नरादरी उदों होई जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप सामने प्रकाश ने संगरान दा दिहाड़ा बाबा जी ने मनाया ते इह बंदे जिहड़े बुक्कल हथियार कह सकदे उन्हां नूं आपां डब विच लैके आए आ जदों प्रधान ते हमला होण लगा संगतां ने उह जिहड़े शस्त्र सी उह खोले हथियार उस तो बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख पे जिहड़े शस्त्र सीगे कृपान साहब उन्होंने चुक के उन्हां दी दुरवरतों की है तो उत्थे दस्तारां लईयां
ते प्रबंधकां विच आपस विच जिहड़ा जो झगड़ा संगत विच होया वो अति निंदनयोग। पर गल तो यह है बाबा जी, तुसीं वी ग्रंथी सिंह हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश है, गुरबाणी है जिहड़ी पूरी दुनिया दे विच संदेश जांदा है कि सब तो वड्डा जिहड़ा मन्निया जा रहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं, पर वह गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश जिहड़े लोग मानते हैं वो खुद उस गुरु ग्रंथ साहिब के सामने आ जिहड़े काम करदे आ आ घटनावां नूं अंजाम दिंदे आ पूरी दुनिया दे विच दूजे धर्मां दे विच, अज दा इह संदेश किस तरीके दा पहुंचिया, किवें तुसीं लोकां नूं संदेश दिओगे, गुरबाणी की कहिंदी है ते तुसीं की कर रहे हो? वेखो जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूपां दीआं बेअदबियां होईआं 2015 तो लैके, उस तो बाद कई वीडियो वायरल होईआं जिथे प्रबंधकां विच आपस विच झगड़े, ग्रंथी सिंघां दे रौले, गुरद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी जो श्री अकाल तख्त साहिब ते काबज है, साडी सिख कौम श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित है। अकाल तख्त साहिब के जथेदार जां उत्थों दा जिहड़ा काबज है नारायणू महंत सुखबीर बादल, वह संगतां नूं सुचज्जे ढंग नाल कोई सुझाव नहीं दे रहे, पंजाब दे गुरद्वारा साहिब दीआं प्रबंधक कमेटियां नूं सुचज्जे ढंग नाल कोई सुझाव नहीं दे रहे। जिथे जिथे अजिही घटना वापरती है जिवें आ पिछे सुचे लंगाह वाली घटना वापरी सी, ते उदों अजिहियां घटना कई गुरद्वारां च बलात्कार होए की कुछ होया, ते जथेदार प्रधान कह दिंदे आ जी इहनूं भांड्यां दी सेवा ला दो, जोड़ियां दी सेवा ला दो, वह चार दिन उत्थे जोड़े साफ करके ते मुड़ के कहिंदे जी सानूं महाराज ने माफ़ करता। जेकर अजिही घटना विच जिहड़ा बंदा हुल्लड़बाजी करदा उहदी लत्त बांह मौके ते वड्डी होवे, तो मैनू नहीं लगता भी होर गुरद्वारा साहब के अजिही घटना कितने हो स होगी। असी जिहड़ा अज घटना हुई है उस घटना के संबंधित असी इत्थे पहुँचे अज, तो असी उन्होंने जिहड़ा संगत नूं इंसाफ दवावांगे, तो जिहड़े हुल्लड़बाजी करन आए सी उन्हां ते परचा दर्ज करावांगे जी। तो साढ़े नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरिंदर कौर भलूवाला जी है, उन्होंने गलबात करते हैं। बीबी जी, किवें देखते हो एक फरीदकोट के एक बहुत वड्डी जिहड़ी घटना वापरी है, तो पूरी दुनिया के वीडियो भी वायरल हो रही है, बड़े वड्डे लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं, किवें देखते हो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही मनभागी घटना, और मैं इसकी पुरजोर शब्दों के निखेधी करती हाँ। मैनू इस घटना का जड़ा जो मैं वीडियो देखी है उस तो पता लगे, पर मैं अपने आप नू रोक नहीं सकी और गुरद्वारा साहब के नमस्तक होने वास्ते आई हाँ, और आके इतने जो मैं प्रशासन को जोड़े भी इतों के प्रधान से उन्होंने या सेवादार से उन्होंने गल की, तो यही गल निकल के आई कि जोड़े पुराने प्रधान से उन्होंने नवे प्रधान के नाल कोई विवाद चलता पाया। अगर मैं गल करा तो अज तो 15 साल पहला भी मैं इस गुरद्वारा साहब की सेवा की, और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों फंड भी लिया के जड़े से इस गुरद्वारा साहब नूं दिते हैं, ताकि गुरद्वारा साहब जिहड़ा हैगा वो संगत बहुत है, आसे पासे होर कोई गुरद्वारा नहीं, और संगत जिहड़ी है बहुत ही चंगी संगत हैगी है जिहड़ी कि गुरु घर नूं नमस्तक होने वास्ते आउंदी है। पर सब तो मनभागी घटना यह है कि तू तू मैं तो एक पास है जिथे गुरद्वारा साहब के विच बाबा जी का प्रकाश होया सी, संगरांद दा दिहाड़ा मनाया जा रहा सीगा, ता उत्थे ही तू तू मैं तक गल रही तो फिर कुछ गल सीगी, पर उन्होंने जेडे गुरु साहबान के अगे शस्त्र सजाए हुए सी उही शस्त्र चुक के जेडे मौजूदा प्रधान सी उन्होंने उत्ते वार करना शुरू करता। बीबियां भी इतने प्रत्यक्ष रूप के जिन्हां नाल मैं गल की उन्होंने भी ये दसिया कि अगर वह बीबिया विच ना पैंदियां तो मेरा ख्याल कोई अनसुखावी घटना होर भी वापर जाती, पर यह संगत के सहयोग के नाल, संगत के सारिया के इकट्ठे हो के रोकण के नाल कोई होर वड्डी घटना होण तो है, पर मेरा ख्याल अगर असी गुरु साहब के अगे इहो जिहियां हरकतां करांगे तो इस तो मनभागी घटना तो कोई हो ही नहीं। कई दिन कितने तुम भी देखा जिवें हुण अपना दरबार साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्थे भी जिहड़ा तीजा समुंदरी हाल बनया हुआ जिहड़ा, उत्थे भी कितना कितने जिहड़े विवाद खड़े हो जाते, उत्थे भी जिहड़े तुम देखे होना उत्थे भी कृपाना चलदियां दिखाई गईयां, यह तो नहीं कि जी पिरत को लैके भी जो उत्थे चली जांदियां वड्डे गुरद्वारा साहब जिथों सानू संदेश मिलना तो सानू इत्थे किने पुछना? तुसीं सवाल मैनू ये कीता कि तेजा सिंह समुंदरी हाल के बाहर भी कृपाना जड़ियां चलियां, पर माफ़ करना कि वो एक बार वाली जगह उत्थे बाबा जी का प्रकाश नहीं हैगा, बब इस गुरद्वारा साहब के जिथे बाबा जी का प्रकाश होया बिल्कुल उस हाल के प्रकाश के बिल्कुल सामने ये घटना जी हैगी वापरी हैगी जी मनभागी है।
बाहर जाके गुरुद्वारे तो बाहर आके ये गल कर लेंगे, गुरुद्वारे के थले बैठ के गल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल कितने ना कितने असं उस जायज़ मानते कि संदेश तो गलत जाता नहीं जो सिख आवेदी एक दूजे से वार कर बहर कर संदेश इस करके इस गल नहीं जोड़ा है वो मेरा भी हिरदा जोड़ा है विलुंद रहा और मैं मैनू किसी ने शिकायत नहीं मैनू किसी गुरुद्वारा साहब वाले ने भी नहीं नोटिस भेजा कि बीबी जी ये कोई गल हो मैं अपने तौर पर इतने आई हाँ ताकि मैं खुद गुरुद्वारा साहब जाके संगत को भी बेनती कर सकता कि इहो जिहियां घटनावां दे नाल जिथे सिख जड़े शर्मसार हुंदे आ उत्थे सारी दुनिया दे विच जिथे असीं तां कह रहे हां कि बाबा फरीद जी दा आगमन पुरब मनाया जा रहा तुसीं आओ पर जदों इहो जी घटना फरीदकोट शहर दे विच ही वापरूगी तो लोग जिहड़े हैगे गुरुद्वारा साहब भी आउण तों डरनगे कि उत्थे पता नहीं किहड़े वेले की हो जाणा सो इह बहुत ही मनभागी जिवें हुण श्रोम अपना पंजाब पुलिस वल्लों तां आपदी जिहड़ी जांच आ जिहड़ी कीती जा रही है कारवाई भी हो सकता की जाए क्योंकि दो तो तीन जिहड़े जख्मी भी दसे जा रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडे वल्लों किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा तुसीं अपनी गल आ जिहड़ी जथेदार तक पहुंचाओगे जां किस तरीके तां अगर गुरुद्वारा साहब के प्रधान जाके अपनी लिखती तौर के उत्ते अपनी एप्लीकेशन देंदे हैगे आ उत्थे शिकायत करदे आ तां मेरा ख्याल है जरूर इस शिकायत के उत्ते असी जो भी बनती कार्रवाई होएगी वह करांगे और निरपक्ष होकर करांगे क्योंकि गुरधाम जेडे साडे हैगे सानू अपने जी जान नालों प्यारे हैगे और इस दी अगर साडे कोल शिकायत पहुंचदी है तो असी निरपक्ष होकर सब तो पहला दोनों धिरां नूं माफ़ी मंगनी चाहिए गुरुद्वारा साहब ये तो जी बिल्कुल हर एक सिख नूं भी माफ़ी मंगनी चाहिए है पश्चाताप भी करना चाहिए है पर अगर गुरुद्वारा साहब के विच ही इहो जिहा विवाद है तो कितने फिर वो दूसरे और आमो सामने ना टक्कर जाण सो बेहतर यही है कि संगत जिहड़ी हैगी और मैं प्रधान जी नूं भी बेनती करूँगी कि इस चीज़ नूं जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक जरूर पहुँचाया जाए ताकि उतों ही असी पूरी कार्रवाई जी होके है वह गुरुद्वारा साहब के प्रबंध के जी है देख सके जो ही सानू झगड़े का पता लगा है साढ़े सिटी फरीदकोट के एस एच ओ सब इंस्पैक्टर अमन संदीप सिंह ये मौके पर तुरंत पहुंचे ने तो उत्थे जाके मौके का जायजा लिया है तो उहदे च दो बंदे हस्पताल इत्थे अपने दाखिल होए सी लोकली फरीदकोट उन्हां च एक लेडी हैगे सन उन्हां दे बयानां ते असी एक परचा दर्ज किया सिटी फरीदकोट थाने वख-वख धाराएं दे 8-9 बंदियां दे खिलाफ जिहदे चों एस एच ओ ने मौके ते ही कार्रवाई करदे तरीट करके ते 3 बंदे एप्रीहेंड भी कर लिया तो बाकी आपां होर एप्रीहेंड छेती कर तो बिल्कुल जी असी वख वख धारा ता ही लाइया ने कि जिहड़ी चे सारे एलीमेंट कवर हो जाते एक तो 395 लाई है 354 लाई है 341 323 148 149 सारिया तारा 9 बंद 22 मिनट शस्त्र समान से पहले उन्होंने शस्त्र उन्होंने भी चके घटता उन्होंने किसी ने की उन्होंने उन्होंने तुम आप वीडियो देखो जो कृपान भजन सिंह के हाथ च वो मरी जाता मेरे लख च तो अपने मैनू इन्होंने तिना जन थले सुट लिया क्या मेरे उवे लख चो अपनिया सट्टा लगिया पी हूँ एक्सरे करा गया जी वो वीडियो आई जाता सर वह भी आई जाता पर मैं गल कहूँगा जिनी गल हुई है इन्होंने इन्हों की नगेली इन्होंने गलती की है गलती बहुत वही की है गुरु घर जरा सब का साझा ये किसी के प्यो का नहीं भी जो ये कब्जा करके बवे तो हम तुम की चाहते हो हाँ जी चाहते हो अभी चाहते जी साढ़े इन्होंने सट्टा लाइया इन्होंने की इन्ह का अपना इन्होंने कार्रवाई बंद ही करनी चाहिए है तो श्रोमणी कमेटी ने भी असं बेनती करते हैं कि आके पता करो भी ये शराबा पीते ज नहीं पीते तो किन्ने चिर तो यह खस्सी झगड़ा पैंता साढ़िया कि दरखास्त थाने पड़ी वो सरकार करके कांग्रेस की एक भी नहीं चलन दी इन्होंने इस करके असी हूँ भी कल भी बयान लिखा के आए हैं पर जी महीना हो गया साड़ी दरखास्त कतवाली पई हुई है तो मैनू इन्हों तो खतरा जी मैनू इन्हों तो खतरा इस करके सानू इकला कर करके वेख के डराउंदे धमकाउंदे होर कोई गल नहीं घटना हुई है जी असी जो बैठे समाप्ति हुई सी जसवंत सिंह खालसा जो प्रधान से गुरुद्वारे के उत्ते हमला किया क्यों किया जी वो गुरुद्वारी कमेटी च रौला सी किस गल नूं लैके पता नहीं पिछला पुराना रौला सी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਗਰਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
बहुत तरीके चला रही है, सही चला रही है। सारे फौजी आदमी है जिहड़े कमेटी दे विच गए, मतलब कि यह चाहते हैं भी सानू कमेटी प्रधानगी सानू दी जाए, लेकिन संगत है जी मतलब कि कलोनी की वो नहीं चाहती भी इन्हों मतलब कि भी प्रधानगी दी जाए। सारे मतलब कि इन्होंने बारे जानते गए। अज संगरांद सी, सारी संगत इकट्ठी हुई सी उत्थे, मतलब कि ये भा के आए सी, इन्होंने मतलब कि साडे प्रधान साहब ते हमला करना सी। हाँ जी, पहला मतलब कि थाना साहब उठे, मतलब कि जिहड़ा भांसा भाऊ सी इन्हें आनंद साहब का पाठ चली जाता, इन्हें मतलब कि फोन करके थाना सिंह नूं बुलाया। जो थाना सिंह नूं बुलाया तो मतलब कि जो अरदास हो गई गुरद्वारा साहब की, तो उदो थाना साहब प्रधान साहब के मतलब कि नेड़े जा वड़े गल पै गए, उन्होंने कुछ पूछन लग गए उन्होंने कुछ, मतलब कि तू मैम इन्हों के हो गई, इन्हों सारी संगत खड़ी हो गई, जेडे इन्हों के नाल आए थे चार जने वो भी प्रधान साहब के लामी हो गए, फिर संगत ने सारे ने फड़ लिया। हथियार कड़े सी? हाँ जी, उन्हें पुलिस मतलब कि एडा सी की चीज़ हो, मैंने इस चीज़ बारे नहीं पता है। हाँ जी, राड़ सी कोई ना। हाँ जी, वह उन्होंने मतलब पुलिस ने ले ली वो, तो फिर मतलब कि महाराज की हजूरी शस्त्र सजाए होंगे जेडे उतों इन्होंने तलवार चक ली, जो तलवार चकी लेकिन हथियारों तलवार खो लिया, पर लेकिन फिर भी मतलब अपनी एक दोनों मियाँ बीबी ने फटर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम सुनया सब तो पहला जी आप गलबात की है, जिहड़े इत्थों दे सेवादार ने जिन्हां ते हमला होया उन्होंने सारी जी दास्तान दसी है, आखिर हमले का कारण की बनया। उस तो बाद जिहड़े ग्रंथी सिंह है उन्होंने जिहड़े मुखी ने उन्हों की अगवाई करते हैं, उन्होंने नाल गलबात की है, तो नाल ही हुण श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मैंबर ने गुरिंदर कौर भोलूवाला, तो उन्होंने नाल भी गलबात की। सारे ने अपने अपने पक्ष रखे है, पर सब तो वड्डा सवाल यह खड़ा हुंदा है कि जिहड़े धर्म का जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने संदेश पूरी दुनिया च पहुँचाना है, उस बाणी का संदेश पूरी दुनिया जाता है, तो उस गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने जे उस जिहड़े धर्म नूं मनण वाले लोग आ वेखदे पिरदे ने तां बहुत वड्डा जिहड़ा सवाल खड़ा हुंदा है, दूजे धर्मां ते जिहड़ा सवाल खड़े करदे ने वह भी बहुत वड्डी गल है। इन्हां ते वापस उन्हां ते सवाल खड़े होणगे कि साडे ते तुसीं सवाल किस तरह खड़े करदे हो। तो हुण देखण वाली गल यह रहेगी कि पंजाब पुलिस वल्लों किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब वल्लों की जिहड़ा एक्शन लिया जाता है। गुरजीत सिंह रमाणा, D5 चैनल पंजाबी, फरीदकोट। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनती है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले पर करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर क्लिक करो।